मैंने आपको कुछ टॉपिक्स पहले ये बताया था कि आप कोई भी जॉब करें लोकल करें इंटरनेशनल करें बट आप कुछ करें ऑनेस्टली तो इस टॉपिक में आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आप जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह से अप्लाई करें जॉब पे अप्लाई करने का भी एक तरीका होता है अब प्रॉब्लम ये है कि लोग इसको समझते हैं कि जैसे जॉब पे अप्लाई करना लाइक एक पथेटिक काम है और इसको सबसे घटिया समझ कर, वो इस तरह से ट्रीट करते हैं कि ये इतना मुश्किल काम कौन करेगा जॉब हमें मिल जाए तो हम फिर काम कर लेंगे लेकिन जॉब अप्लाई करने के लिए हम मेहनत करने को तैयार नहीं होते हैं मैंने आप लोगों के लिए कुछ केस स्टडीज रखी हैं जो आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा कि किस तरह से आपने जॉब से अप्लाई नहीं करना क्योंकि जो हायरिंग हायर करने वाले होते हैं वो इन चीज़ों को बड़े मतलब गौर से देख रहे होते हैं मैं भी बहुत टीमों को हायर करता हूँ अपने लिए भी लोग मुझे पैसे देते हैं कि मैं उनके लिए टीमों को हायर करूँ तो हायरिंग का मुझे बड़ी अच्छी तरह से आइडिया है मैंने दस साल में काफ़ी टीमें चलाई हैं मैंने काफ़ी टीमों को हायर किया है और मैंने काफ़ी टीमों को फायर भी किया है तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि किस तरह से क्लाइंट या आपका हायरिंग मैनेजर आपकी सी को या आपके प्रोजेक्ट को देखेगा और किस तरह से आपने नहीं करना सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सी वी हमें रिसीव हुई जिसमें वो भाई साहब ने जो भी सी वी भेजी उन्होंने सिर्फ जो है अपना सी वी पी डी एफ में अटैच किया ना कुछ जो है वो उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी ना कुछ लिखा ना हमने कोई मांगा था उसे तो सीवी ग्राफिक डिज़ाइनर का टाइटल दिया और उसके बाद सीवी फेंक दी अब उनको ये लग रहा होगा कि भाई जैसे जैसे सी वी फेंक जाएंगे तो हम लोग तो फारिक बैठे हुए हैं हमें दुनिया में और कोई काम नहीं है कि हम इनकी सी पकड़ेंगे और कहेंगे बस आप आ जाएँ ऐसा नहीं होता हायरिंग मैनेजर्स जो हैं वो बड़ा सीरियस लेते हैं इन चीज़ों को अगर आप उनका टाइम अब करेंगे ये वो ई एड्रेस था जिस पर क्लाइंट्स के लिए ऑनलाइन ईमेल एड्रेस रखा गया है आपको लगता ही है कि अगर आप वो ईमेल पकड़ के हायरिंग मैनेजर को ईमेल कर देंगे जस्ट बिकॉज कोस के आपके पास ईमेल आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ईमेल सीवी चल जाएगा हाँ एक आप अपना जो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या होगा आप अपना नुकसान कर बैठेंगे क्योंकि जब ये सी वो अपनी लिस्ट में डालेगा कि जिन लोगों को हायर नहीं करना कल को एक्चुअली में आपको जब ये कंपनी जॉब पोस्ट करेगी यानी कि मेरी कंपनी अब जब जॉब ये जॉब पोस्ट करेगी और मैं इसका नाम ढूंढूंगा अपने ई मेल में वहाँ पर मुझे इसकी सी मिलेगी तो मुझे याद आएगा कि इस इस जो है पहले बगैर कुछ ऐसे ई हमें सी भेजे हैं जो कि एक अनथिकल बिहेवियर है आपको किसी भी वेबसाइट पर जाकर प्रॉपर जॉब की वो देखनी होती है कि जॉब्स के अवेलेबलिटी है या नहीं अगर है तो अप्लाई करें अगर वो सी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो करें वरना ना करें क्योंकि क्लाइंट्स जो है हायरिंग मैनेजर माइंड करते हैं एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने भी सीवी भेजा लेकिन इन्होंने एटलीस्ट कुछ लिखने की जहमत की थोड़ी सी वो भी कॉपी पेस्टेड था कि आपकी एक जॉब ओपन है और ये जो है चीज़ें वगैरह वगैरह लेकिन एक जो गलती थी इस दफ़ा वो क्या थी अव्वल तो जॉब मैंने तो कहा ही नहीं था कि मैं हायर कर रहा हूँ फिर भी उन्होंने सी भेजा लेकिन चलें भेजा भी तो वो मुझे नहीं भेज रहे हैं वो असल में पाँच दस कंपनियों को और को भी भेज रहे हैं और सबसे बड़ा ब्लेंडर ये है तो उन सबको सी सी किया हुआ है अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं कि जितनी कंपनियों में इन्होंने अप्लाई किया है वो सब कंपनियां नाराज़ हैं कि ये ऐसे स्पैमिंग कर रहे हैं और तो कल को जब इन्हीं में एक्चुअल इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो ये बात अगर उनको हायरिंग मैनेजर को पता चल गई कि ये वही भाई साहब हैं जिन्होंने हमें पहले ऐसी ईमेल्स भेजी हैं और क्या कहते हैं कि ये ऑलरेडी स्पैम कर रहे हैं तो ये आठ दस एजेंसियों के अगर आपको लगता है कि या आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या आप एक जो है वो एच मैनेजर हैं आप लुकिंग फॉर अ जॉब का लिख के एच मैनेजर लिख के आप दस कंपनियों की ईमेल लिख के उनको सी भेज देंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी जॉब हंटिंग ऐसे नहीं होती जॉब हंटिंग ऐसे होती है कि आप जाएँ नेट पर देखें जिनको ज़रूरत है वो उनसे बात करें और फिर वो आपको रखेंगे तो नीड एंड वांट की जो इंटेंशन वाली जो बात है ना उसको ज़िंदगी में पल्ले बांध लें कि जिसको जब ज़रूरत होगी वही बंदा आपको रखेगा वही बंदा आपको पैसे देगा वरना आप किसी से ज़बरदस्ती ना तो जॉब ले सकते हैं ना उनको ज़बरदस्ती अटेंशन दिलवा सकते हैं उल्टा आप ये करेंगे कि अपना नुकसान कर लेंगे एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि ये एक 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 फीमेल थी जिन्होंने तकरीबन तीन चार महीनों में हमें कॉन्सटेंटली ई मेल भेजी और वो ई मेल मैंने आपको स्क्रीन शॉट में डाल दिया है कि वो तकरीबन आप महीने टाइम देख सकते हैं डेट देख सकते हैं सेम कंटेंट सेम कॉपी पेस्ट कंटेंट तीन दफ़ा भेजा सेम सीवी सेम कंटेंट एक लफ्ज़ भी चेंज नहीं किया और वो एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि हम उनको हायर कर लें ऐसे जॉब्स नहीं मिलती जॉब्स लेने के लिए प्रॉपरली एथिकली बात करनी पड़ती है उन लोगों से जिनको एक्चुअली लोग चाहिए इतने एटिकेट्स नहीं है कि कम्युनिकेशन एक स्किल है और आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन करनी है आपको ये पूछते हैं तो आप सिर्फ एक ईमेल लिखें प्रॉपरली कि मुझे जो है एक जॉब चाहिए या कम से कम आप उनसे पूछें कि क्या आपके पास जॉब्स हैं कि नहीं हैं ऑलमोस्ट हर कंपनी का एक पेज होता है जिसमें जॉब लिखी हुई होती हैं अगर नहीं है तो आप उनसे इंक्वायर करें इंक्वायर करने के बाद सीवी भेजें जब वो आपसे ये कहा जाए कि हाँ सीवी हमें चाहिए हम लोगों को ढूंढ रहे हैं और उस, उस पर से एक झूठ जो अक्सर लोग लिखते हैं कि जी मुझे पता चला कि आपकी एक ओपनिंग है भाई आपको कैसे पता चला कहाँ पर लिखा था कि हमारे पास ओपनिंग है आपने सिर्फ और सिर्फ एक बात करने की गर्से से आपने वो किया है तो ये चीज़ें मैं आपको एक उस एंगल से बता रहा हूँ कि जब हायरिंग मैनेजर्स जो हैं वो किस तरह से प्रसिव करते हैं इस तरह से आप अपना केस बिल्ड नहीं करते हैं, अपना केस ख़राब करते हैं और प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे लोगों को फिर लोग रखना भी पसंद इसलिए नहीं करते कि वो समझते हैं कि इनको एटिकेट्स नहीं है इनको जो है ना ये अब्यूज़ करने की आदत है चीज़ों की जस्ट बिकॉज की एक ई पड़ा हुआ है वेबसाइट के ऊपर उस पर आप कुछ भी कर लेंगे एक फॉर्म लगा हुआ जिसमें क्लाइंट्स को कहा गया कि आप इनको हेल्प चाहिए तो आप क्लाइंट्स हमें आके बात करें उस फॉर्म को सिर्फ इसलिए फिल कर रहे हैं कि आपने अपनी जो है वो सर्विस बेचनी है या आपने अपना सी बेचना है तो ऐसे नहीं होता ऐसे आप सिर्फ अपना केस ख़राब करेंगे और ये वो तरीके हैं जो आपने नहीं करने जॉब लेने के जॉब लेने का एक ही तरीका है देखें जहाँ पर जॉब है वहाँ जा खुद को प्रेजेंट करें उन्हें तो बोलें कि जी आपकी ये ज़रूरत है ये मैं पूरी करूँगा और मैं बड़ी अच्छी तरह से पूरी करूँगा आपको अगर वो ट्रस्ट नहीं है मुझसे आप टेस्ट ले लें टेस्ट ले लें या मुझे आप मैं एक महीना फ्री काम करने को तैयार हूँ अगर आपको वैसे भी एक महीना दो आप अक्सर लोग मेरे पास आते हैं जी मैं दो साल हो गए जॉब ढूंढ रहा हूँ दो साल हो गए अच्छा एक महीना फ्री काम कर लोगे नहीं अच्छा भाई दो साल से आपने काम नहीं किया तो आपको कोई मसला नहीं था एक महीना आप फ्री में काम कर लेंगे जहाँ से हो सकता है कि अगर आप अपने आपको प्रूफ कर लें अगर आपको इतनी ट्रस्ट है तो फ्री काम करके प्रूफ कर लें कि भाई मैं काम कर सकता हूँ फिर आप जॉब कर लें तो वहाँ पर आके लोग जो हैं वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि भाई मैं फ्री में काम क्यों करूँ भैया फ्री में फारिग बैठे हुए हैं तो आप एक साल और बैठे रहेंगे बेहतर नहीं है कि एक महीना अपना रिस्क पे लगाएं और प्रूव करें कि आप काम कर सकते हैं और क्लाइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छी कंपनियाँ अच्छे लोगों को नहीं जाने देती क्वालिटी का फुकदान है पाकिस्तान में भी ग्लोबली भी जितना ज़्यादा क्वालिटी का फुकदान है आपको अंदाज़ा भी नहीं है और अगर आप क्वालिटी पकड़ लें आप ऐसी ऐसी कर दें कि ऐसी कोई ना करता हो आप ऐसी सर्विसेज दे दें कस्टमर सर्विस ऐसी दे दें जैसी कोई ना करता हो तो आप इमेजिन नहीं करेंगे कि आप अपने लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर लेंगे